माता की, भारत माता की, भारत माता की। बोलिए भगवान परशुराम की, बोलिए भगवान परशुराम की, बोलिए जय जय श्री राम, जय जय श्री राम। तो सर्दी के समय तो मुरैना का नाम दूर दूर तक जाता है। जो रिश्तेदार आते हैं वो भी मुरैना का नाम लेते हैं और कहते भी हैं कि आप कब आ रहे हो, तो वो गजक की मिठास आप सभी को याद दिलाती है। पहले भरतपुर धौलपुर एक ही जिला होता था, तो मैं आपके इस मुरैना जिले का मैं भी पड़ोसी हूँ, क्योंकि मैं भरतपुर से हूँ, भरतपुर धौलपुर एक ही है। भारत माता की, भारत माता की। बोलिए भगवान परशुराम की, बोलिए भगवान परशुराम की, बोलिए जय जय श्री राम, जय जय श्री राम। बोलिए छिमछिमा हनुमान मंदिर की, बटेश्वर मंदिर की। आज के इस कार्यक्रम में हमारे बीच में मध्य प्रदेश के यशस्वी कैबिनेट मंत्री भाई एदल सिंह जी कसाना साहब, मध्य प्रदेश में कैबिनेट मंत्री भाई राकेश शुक्ला जी, इस संभाग के प्रभारी भाई विजय दुबे जी, भूपेंद्र जी, योगेश पाल जी, पूर्व मंत्री गिरिराज दंडोतिया जी, पूर्व विधायक परशुराम मुदगल जी, नागेंद्र तिवारी जी, दिनेश चंडौतिया जी, परशुराम जी बालोटिया जी, राजीव शर्मा जी और हमारे पड़ोसी मुरैना के बिल्कुल नजदीक हमारे धौलपुर से आए हमारे पार्टी के जिलाध्यक्ष भाई सत्येंद्र पाराशर जी, मंच पर विराजमान सभी मेरे पार्टी के समाज के पदाधिकारीगण, मेरी महिला बहने मेरे सामने विराजे, पूजा योग मेरे बुजुर्गों, नौजवान दोस्तों, माता और बहनों, मैं आप सभी के चरणों में प्रणाम करता हूं, नमन करता हूं, वंदन करता हूं। और मैं धन्यवाद देना चाहता हूं भाई कसाना जी को, शुक्ला जी को और हमारे पार्टी के प्रदेश के अध्यक्ष भाई वीडी शर्मा जी को, हमारे मुख्यमंत्री भाई मोहन यादव जी को कि उन्होंने मेरा यहां मुरैना में कार्यक्रम बनाया और एक साथ इतने आप सभी के दर्शन का मुझे लाभ मिला, इसके लिए मैं उन सभी को बहुत बहुत धन्यवाद और साधुवाद देना चाहता हूं। मित्रों, कार्यक्रम था, पहले मैं पटिया वाले बाबा के मंदिर पर दर्शन के लिए गया, निश्चित रूप से मैं अभिभूत हुआ। एक बहुत अच्छा स्थान, साधु संतों का स्थान, बहुत ही तपस्थली जिसमें मैंने देखा तपस्वी बाबा से लेकर के पटिया वाले बाबा से लेकर के बहुत साधु संत उस स्थान पर आते हैं। निश्चित रूप से मुरैना वो भूमि है
जहां स्वतंत्रता की अलग जगाने वाले राम प्रसाद बिस्वाल जी जैसे स्वतंत्रता सेनानी यहां पैदा हुए। उन्होंने यह काम किया। निश्चित रूप से मुरैना एक सांस्कृतिक गरमा को दर्शाता है। मैं इस ऐसी भूमि को प्रणाम करता हूं, नमन करता हूं। मुरैना शहीद स्मारक इस अंचल के शहीदों की कुर्बानी की याद दिलाता है। ऐसे अनेक हमारे वीर पुरुष यहां हुए हैं जिन्होंने मध्य प्रदेश की धरती पर मुरैना का नाम आगे, यही नहीं देश में आगे नाम बढ़ाने का काम किया है। यहां के नदियों का संगम, श्योपुर का किला, सांस्कृतिक विरासत, यहां गुजरी महल, नरसिम्हा महल की स्थापित कला का अद्भुत नजारा है। मुरैना का टेराकोटा हस्तशिल्प प्रसिद्ध है, मिट्टी के बर्तनों का हस्तशिल्प। गीत कहां जाता है, यह शिल्प कौशल में मनुष्य के पहले प्रयास और यहां का प्रतिनिधित्व बहुत ही महत्वपूर्ण माना जाता है। और यहां अगर बात करें तो सर्दी के समय तो मुरैना का नाम दूर दूर तक जाता है। जो रिश्तेदार आते हैं वो भी मुरैना का नाम लेते हैं और कहते भी हैं कि आप कब आ रहे हो, तो वो गजक की मिठास आप सभी को याद दिलाती है। पहले भरतपुर धौलपुर एक ही जिला होता था, तो मैं आपके इस मुरैना जिले का मैं भी पड़ोसी हूं, क्योंकि मैं भरतपुर से हूं, भरतपुर धौलपुर एक ही है।